बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद, हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो मेरे नए व्लॉगिंग किट के बारे में। तो मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं दुबई से लेके आया हूँ सोनी DV10 और उसके साथ तो सिग्मा 16 mm और उसका मैक बैटरी मैक, और इन तमाम चीज़ों को मैं अनबॉक्स करूँगा और आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्स करना। तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करूंगा, मेरा सबसे फेवरेट ZV-10 सोनी। इसका ये बिल है और ये सब बुकलेट, और ये इसका मैक है। ये बड़े काम की चीज है, इसके साथ में विंड्स के साथ। ये इसका चार्जर और इसका ये डेटा केबल, एक और कि ये दो बैटरी है, एक बैटरी इसके साथ आई और ये मैंने एक अलग से परचेज की। और ये सोनी का स्ट्रैप, डेटा केबल, और ये हमारा फेवरेट सोनी ZV-10। माशाल्लाह, कितना अच्छा कॉम्पैक्ट है। ये इसकी जो सबसे मेन चीज़, इसकी जो फ्लिप स्क्रीन है लॉकिंग के लिए, तो इसके साथ आता है ये किट लेंस। ये है 16-50, तो ये कैमरा हो गया। तो कैमरे के लिए जो मेन चीज़ होती है वो इसका लेंस होता है। तो मैंने इसके लिए परचेज किया है सिग्मा का 16 mm। इसका जो अपर्चर है 1.4 है। तो अभी मैंने इसको अनबॉक्स करता हूँ। सोनी के कैमरा अगर वो साथ में लेंस अच्छा तो क्या ही बात है। अगेन इसकी ये बुकलेट, और इन जबरदस्त पैकिंग में मैं सेट कर देता हूँ। ये इसका हुड है, ये रहा सिग्मा का 16 mm। और इसके साथ अगर आपको आउटडोर शूटिंग करें तो ये इसका हुड है, ये दो चीजें होगी। और ये सोनी का इन चीजों का भी सेट कर देता हूँ। ये मैक, ये ओरिजिनल सोनी के हैं। इसके साथ भी उन्होंने विंड्स के लिए दिया हुआ है। मैक है, मैक के लिए केबल, अच्छा सा एक पाउच भी है। ये इसके ऊपर रखने के लिए इसका मैक, और ये इसका एक प्रोसेसर है। इसकी रेंज भी बहुत माशाल्लाह अच्छी है, तकरीबन है 200 मीटर तक ये कवर करता है। तो अभी मैं इसको सब चीज़ों को कैमरे के ऊपर फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी बैटरी लगा लेते हैं, इसको एक्स्ट्रा पुश करना है, और इस तरीके से फिर इसको लगा के फिर इसको दोबारा लॉक करना है। ये हो गया, तो अभी इसकी स्क्रीन खोल लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह, अभी इसको करते हैं ऑन। इसका ये ऑन ऑफ का बटन है। तो साथ में मैंने इस तरीके से इसकी चार्जिंग भी लगा दी है। तो अभी इसको बिस्मिल्लाह करके इसको मैं ऑन करता हूँ।
इस तरीके से ऑन हो जाता है तो सबसे पहले इसकी सेटिंग होती है, तो इसको इंग्लिश में हम इसकी जितनी लैंग्वेज है तो इंग्लिश में हम इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए डेट और टाइम है, तो इसमें हम लोग जिस आप कंट्री में रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। इसकी डेट वगैरह मैंने सेट कर ली है, तो अभी लेंस की जो केप है, कैप है वो उतार लेते हैं। देखो, तो इसका एक बटन जहाँ पे आप इसको एक प्रेस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा वीडियो, और फिर आप करेंगे तो फिर आ जाएगा इधर कैमरा पिक्चर के लिए। अभी इसकी पिक्चर बनाते हैं, मैं एक चीज़ को फोकस करता हूँ, ये सिग्मा के लेंस को यहाँ से इसको आपने फोकस कर लिया और ये इसकी आ गई। अगर आपने इसकी वीडियो बनानी है तो फिर आपको इसको एक दफ़ा और प्रेस करना पड़ेगा, तो यहाँ देखें वीडियो का आ गया है, तो इसी बटन को आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ ये जो रेड वाला बटन है इससे आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको स्लो वीडियो बनानी है तो इसको एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो एस एन क्यू आ गया है, तो इससे आपकी स्लो वीडियो बनेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसके साथ जो ये किट लेंस उतार के, जो मेरे पास ये सिग्मा का लेंस है, मैं इसके साथ ये अटैच करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा और ये अपनी जगह वापस चला जाएगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ से प्रेस करके पहले इसकी कैप लगा लें, इसको प्रेस करना है और फिर इसको अपने इस तरीके से घुमाना, ये आपका लेंस अलग हो गया। तो आपने ये ख्याल करना है जब भी आप लेंस चेंज करें, कोशिश करें इसमें डस्ट नहीं है, तो इसका जो ये वाइट डॉट है ना, ये वाला वाइट डॉट आपने इसके साथ टच कर देना है ये वाला, और इसको फिर ऐसे घुमा देना है, बस इससे आवाज़ आएगी। तो इसका भी मैं हुड भी उतार लेता हूँ, आगे से कैच भी इस तरीके से देखो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखें किट लेंस और इसका रिजल्ट देखें। तो सबसे पहले मैं इसे एक पिक्चर लेता हूँ, इसको आप फोकस में ले लें, इसका ऑटो फोकस है, और फिर इसको करें प्रेस। ठीक है, तो ये तो सेटअप तैयार हो गया। इसके अलावा जो इसकी एक मेन चीज़ है, इसका मैक है, और इसके साथ एक सोनी का अपना भी आता है ये वाला, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसका लगाने का तरीका ये है, इस तरीके से करके आप इसको बस हल्का सा प्रेस कर दें, ये क्योंकि इसके अपने भी चार मैक हैं। अगर आपको और ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल लेवल की रिकॉर्डिंग करनी है तो आप ये वाला मैक ले लें सोनी का, इसका एक ट्रांसिस्टर है, ये 200 मीटर तक रिकॉर्ड करेगा। तो अभी मैं इसको आराम से पुश कर लेता हूँ, आराम से वापस आ जाएगा। तो मैं लगा लेता हूँ, ये हमारा प्रोफेशनल मैक, इसको उतारा। इसके लिए केबल या किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ये ट्रैक इसके साथ अटैच हो जाता है, हमने इसको इसका लगाना है बस, हो गया। और इसको आपने जेब के साथ या कहीं भी लगा लेंगे बड़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सोनी का सेटअप रेडी हो गया। तो इसकी एक और चीज़ है, ये मेरे पास है छोटा गोरिल्ला ट्राइपॉड, इस तरीके से मैं इसको इसके साथ अटैच कर लेता हूँ यहाँ से। अगर आप इसको एज ए ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरह की सेटिंग आपको चाहिए आप कर लें इस तरीके से। अगर आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको खोल दें इस तरीके से। अभी मेरे पास वो लगा हुआ नहीं हो सकता इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सोनी ZV-10 की किट है। अभी इंशाल्लाह आज के बाद मेरे जो भी वीडियो बनाऊंगा इसी से बनाऊंगा। तो पहले मैं बना रहा था, मेरे पास दुबई में था कैनन का कैमरा, तो और उसके बाद मेरे पास एक सैमसंग S21 Ultra, उससे भी मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग की, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान में जितनी अच्छी से अच्छी वीडियो इस कैमरे से बना सकूँ, तो आपको देखने को मिलेगी सोनी ZV-10 से।